भारत के प्रगति में अतुलनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिससे ऐसे महान व्यक्ति का उचित सम्मान हो और युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श एवं प्रेरणादायी सिद्ध हो, ऐसे इस पुरस्कार का उद्देश्य है। हर साल 1883 से हम पहले ईसन जोशी को पुरस्कार दिया था हमने, और फिर कॉमरेड डांगे, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ऐसे राजकीय क्षेत्र में हमने पुरस्कार दिए है। वैसे सामाजिक काम जो करते थे बाबा आमटे और उनके लड़कों को हमने पुरस्कार दिया, स्वामीनाथन को दिया, वर्गीस कुरियर को दिया, ऐसे बहुत लोगों को 40 लोगों को आज तक हमने पुरस्कार दिया है। इस बार सब विश्वस्त पुरस्कार के लिए चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए तो हमारे सामने एक ही नाम आया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। या पुरस्काराकरता आदरणीय नरेंद्र मोदीजींची निवड याकरता केली, कारण लोकमान्य टिळकांनी स्वतंत्र, आधुनिक आणि बलाढ्य हिंदुस्थानचे स्वप्न पाहिले होते। राष्ट्रीयत्व, हिंदुस्थानचा पुरातन विद्या, वैभवशाली इतिहास, राष्ट्रप्रेम, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वदेशी अर्थकारण लोकमान्यांनी सांगितले होते, आणि ते सूत्र श्री नरेंद्र मोदीजींच्या लोककल्याणकारी बलाढ्य राष्ट्रात आम्हाला दिसते। त्यातच आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, नवे तंत्रज्ञान, नवे शैक्षणिक धोरण हे कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रमात आढळतात, आणि म्हणूनच आमची ही निवड, सर्व विश्वासाने केलेली निवड तुम्हा सर्वांना भावेल असा मला विश्वास वाटतो। माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी हा पुरस्कार स्वीकारला म्हणून टिळक स्वराज्य संघातर्फे मी त्यांचे आभार मानतो।